स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। ये मैप भारत के एक बेहद खास प्रोजेक्ट का है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड और इसे INS कदंब भी कहा जाता है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया। न सिर्फ इसका उद्घाटन बल्कि यहां पर भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर भी आकर डॉक हुआ। यह काफी विशालकाय है और इसे देखकर टेंशन में आए हुए पाकिस्तान ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है, लेकिन उस निर्णय में सबसे बड़ा गुड़ गोबर कर दिया है उनकी कंपनियों ने। जानेंगे क्या है मामला। भारत की चाल चलना उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भारत एक बड़ा उलटफेर कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कहलाता है INS कदम और इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री ने। न सिर्फ उद्घाटन किया गया बल्कि स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ आकर डॉक भी हुआ और ये बहुत ही विशाल है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि सबसे पहले तो भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड कर दिया है कि सैन्य उपयोग के लिए। ये जो बेस है, ये बेस बोले जो बोले, लेकिन ये बंदरगाह की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यापारिक जहाज भी आ रहे हैं और युद्धपोत भी आ रहे हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए भारत ने निर्माण करवाया एक सेपरेट इतने बड़े बेस का, जहाँ पर भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ मेंटेनेंस वगैरह सारी चीजें कर सके। देख सकते हैं आप, कई सारे एरिया को बांटा गया है। ये सैटेलाइट तस्वीर है, ये जो यहाँ पर छोटा सा देख रहे हैं, ये INS विक्रमादित्य है जिसकी तैनाती की गई। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सबमरीन से लेकर युद्धपोत से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सभी को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सी बर्ड इसे कहते हैं और सी बर्ड के नाम से सबसे ज्यादा खौफ कौन खा रहा है? सबसे ज्यादा खौफ खा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि ये जो इलाका है हिंद महासागर का, इस हिंद महासागर में दुनिया भर के देश अब भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते हैं। यानी भारत है तो हमारे लिए सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पहले क्या होता था, इन इलाकों में यूरोपीय देशों के या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत ज्यादा दिखते थे, लेकिन अभी रेड सी की भी प्रॉब्लम चल रही है, सोमालिया के डाकुओं का भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलेगा? भारत के नौसैनिक। जैसे जैसे हिंद महासागर में भारत के नौसैनिक अपनी मजबूत स्थिति बना रहे हैं, वैसे वैसे टेंशन में आ रहा है पाकिस्तान कि आगे क्या करना है। हालांकि स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं, हाल फिलहाल में हैंगर क्लास की सबमरीन को भी शामिल किया गया। जल्दबाजी में ये फोटो तस्वीरें भी शेयर की गई कि चाइना के शिपयार्ड में लॉन्च हो चुका है एक हैंगर क्लास का सबमरीन। पाकिस्तान इस तरीके के 8 सबमरीन लेने वाला है। अब पाकिस्तान का कहना है कि हम 50 युद्धपोत बनाएंगे और भी कई सारे सबमरीन्स बनाएंगे और अपनी नेवी को एशिया की बड़ी नेवी बना लेंगे। हालांकि फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए इतना संभव नहीं है, पर पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत ही चलो, भारत जिस तरीके से कर रहा है, भारत अब एक स्पेनिश कंपनी के साथ भी मिलकर यहाँ सबमरीन बनाने की सोच रहा है, तो वहीं कई सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, अपनी कंपनियों को और विदेशी कंपनियों को जोड़कर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है। हम खुद प्रोडक्शन करेंगे, कराची शिपयार्ड में हम बनाएंगे। लेकिन अब समस्या क्या है, पाकिस्तान को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लगाए गए प्रतिबंध। जो ज्यादातर चीजें हैं चाइना के कंपोनेंट्स वगैरह हैं, उन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं अमेरिका के, और चाइना की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। पाकिस्तान की भी कुछ कंपनियां हैं कथित तौर पर जिन पे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब यहाँ पाकिस्तान निर्णय ले रहा है कि हमें अपनी नेवी को मजबूत करना है, तो नेवी को मजबूत करने के लिए ये कह रहे हैं
कि हर हाल में हम जो है कराची शिपयार्ड में बड़े बड़े युद्धपोतों का निर्माण करेंगे। सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है फंडिंग। पाकिस्तान को इस वक्त अपने देश चलाने में मुश्किल हो रही है, हथियार तो एक अलग बात है पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि अगर चाइना के भरोसे बनाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसी होगी, इस मामले में कुछ भी गारंटी देना मुश्किल होगा। तो अब आने वाले समय में देखना होगा। हालांकि किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो छोटा है या फिर नहीं कर सकता है, पाकिस्तान की नेवी में भी इस तरीके के काम हो सकते हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड और भारत के हिंद महासागर में बढ़ते हुए प्रभाव ने टेंशन में डाल दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव में क्या चल रहा है। मालदीव और भारत के बीच के संबंधों में इधर बीच थोड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भारत रुपे कार्ड लॉन्च कर रहा है मालदीव के अंदर में, और भारत ने बजट का सहायता भी प्रदान किया है मालदीव को। मालदीव ने थैंक यू भी बोला है। पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि चाइना ने मालदीव को फ्रेश 1500 टन वाटर भेजा है, यानी कि पीने की पानी की समस्या को दूर किया है। पर ये जो माना जा रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि चाइना चाह रहा है कि हर हाल में पाले में रहे। वहीं स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर मंत्रालय के द्वारा किया गया है मालदीव का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मालदीव और चाइना के प्रतिनिधि बहुत ही एक्टिव होकर डिस्कस कर रहे हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले प्रोजेक्ट कहा जाता है कि बोल तो रहे हैं ये कि एग्रीकल्चर के लिए है, खेती के लिए है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है चाइना के, ये प्रोजेक्ट एक सैन्य बेस की तरह होंगे। अब इस चीज को लेकर कितनी सच्चाई है ये यही दोनों जाने, लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बात तो है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अच्छी अच्छी बातें कह के चाइना अक्सर इस तरह के काम करता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और मालदीव के बीच बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत मालदीव से कह रहा है कि चलो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और हम आयात निर्यात में टैक्स की छूट देंगे। अब मालदीव इस चीज को साइन करता है या नहीं करता है ये तो आने वाली समय में पता चलेगा, पर उनके जो मंत्री हैं सईद, उन्होंने इस बात की घोषणा की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनके मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि मालदीव के साथ एक समझौता तो भारत का है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अलावे वो सिंगल मालदीव से फ्री एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच में व्यापार 2021 में $300 मिलियन का था, लेकिन 2022 में $500 मिलियन का हो गया है। ऐसे में भारत चाह रहा है कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाए। वैसे भारत अभी काफी कुछ कर रहा है, कर्ज रीस्ट्रक्चर कर रहा है, पैसे दे रहा है, मदद कर रहा है, तो ऐसे में इतना कुछ तो बनता ही है हक। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मालदीव इस दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं? वैसे सब कुछ पता चल जाएगा इन सारी डील के बीच में ही। वैसे भारत अगर आज के डेट में मदद कर रहा है तो बिना सोचे समझे मदद नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।